हेलो बच्चो सो हियर इज द क्वेश्चन बिफोर क्वेश्चन क्वेश्चन ए फाइकोमाइसिटीज ऑप्शन बी एस्कोमाइसिटीज ऑप्शन सी ऑप्शन डी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम देखते हैं इस क्वेश्चन में की कंसेप्ट क्या इन्वॉल्व है द की कंसेप्ट इज रिप्रोडक्शन इन फंगी नाउ रिप्रोडक्शन इन फंगी की हम बात कर रहे हैं तो फंगी है क्या जो क्वेश्चन में फंगस सो आर एच विटकर ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया उसमें से एक किंगडम है फंगी और उन फाइव किंगडम्स का नाम क्या है मोनेरा प्रोटिस्टा फंगी एनिमेलिया एंड प्लांटे फंगी फोर में डिवाइडेड है फर्स्ट वन फाइकोमाइसिटीज ये सारे टाइप्स ऑफ फंगी है फाइकोमाइसिटीज एस्कोमाइसिटीज बेसिडियोमाइसिटीज़, एंड फोर्थ वन इज ड्यू माइसिटीज़, जो कि आपके क्वेश्चन में भी मेंशनड है अब ये सारे क्लीक्सुअली अपना रिप्रोडक्शन शो करते हैं नाउ कमिंग स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं उसी तरह जो एस्कोमाइसिटीज है एस्कोमाइसिटीज जो लाइक स्ट्रक्चर -like फॉर्म करते हैं उस सैकलाइक स्ट्रक्चर -like को हम क्या बोलते हैं इनका एस्कस एस्कस एस्काई जैसे कि इसमें बोला गया एट स्पोर्स इन अ सैक दैट सैक इज नोन एज ओके अब इसमें तो एट स्पोर्ट होते हैं, तो हैं. फोर भी रहते हैं ओके okay? तो डिफरेंस क्या है ये दोनों में समझ में आ गया सो एस्कस इज सैक एंड एट स्पोर्स स्ट्रक्चर इज फाउंड इन देयरफॉर आपका जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन बी एस्कोमाइसिटीज I hope you understood. Thank you so much.